जैन साथियों, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन के ऊपर में अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है और साथ ही सरकार को यह भी बताया है कि 3 महीने के अंदर में इनका बकाया जो वन रैंक वन पेंशन का जो एरियर बनता है 3 महीने के अंदर उनको जारी कर दिया जाए। तो पूरी खबर क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आपको वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड आपको सारे भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हमारा केस है ये 7 नवंबर 2015 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और जिसमें कि हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठनों की मांग ये थी कि वन रैंक वन पेंशन को हर साल रिवाइज किया जाए, लेकिन सरकार ने इसका जो टर्म्स रखा था वो रखा था 5 साल का, यानी कि हर 5 साल में आपका वन रैंक वन पेंशन रिवाइज होगा। इसी मुद्दे को लेकर भूतपूर्व सैनिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में केस टेकअप किया था और जिसपे कि आज सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई चीज़ें क्लियर करी है। सबसे पहले तो ये बताया है कि बिल्कुल वन रैंक वन पेंशन यानी कि OROP जायज है और ये नीतिगत है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर किया। दोस्तों, कोर्ट की जो सुनवाई थी वो करी है आपकी जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने सुनवाई की और जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र सरकार के फैसले में कोई दोष नहीं है और सरकार के निर्गत मामलों में हम दखल नहीं देना चाहते। अदालत ने निर्देश दिया कि सरकार 1 जुलाई 2019 से की तारीख से पेंशन की समीक्षा करे और 3 महीने में बकाया का भुगतान करें। और साथ ही उन्होंने एक अच्छी बात यह बताई है कि वन रैंक वन पेंशन का जो भी आपका बकाया है वो 3 महीने के अंदर में आपको मिल जाएगा। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 7 नवंबर 2015 की अधिसूचना पर कोई संवैधानिक दोष नहीं लगता है, यानी कि जो नीति है यह सही है और जो इसका ड्यूरेशन है 5 साल का वो भी सही है, उनमें भी उनको कोई दोष नज़र नहीं आता है। लेकिन ये भी बताया है कि OROP की जो मांग वो जायज़ है, वो नीतिगत है, लेकिन इसको 1 साल से ना होके 5 साल में इसको रिवाइज किया जाएगा। और साथ ही जो सरकार को ये भी निर्देश दिए हैं कि जो इनका बकाया राशि है वो 3 महीने के अंदर में जारी करने के आदेश दिए हैं। हमारे संगठन की ये मांग थी कि जो ये वन रैंक वन पेंशन है इसकी जो समीक्षा है हर साल की जानी चाहिए, क्योंकि जो एक समान रैंक वाले को जो पेंशन में उसका वेरिएशन आता है वो ना आए, इसलिए वेरिएशन ना आए इसलिए हर साल में इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने कहा था कि हर साल में समीक्षा कर पाना संभव नहीं है। तब हमारे जो रक्षा मंत्री थे स्वर्गीय माननीय मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने 5 साल का ड्यूरेशन रखा था और जिसके ऊपर में एक अभी जब 2019 में इसको 5 साल होने वाले थे तो ठीक इसके ऊपर में एक कमेटी बना दी गई थी जो कि इस चीज़ की पूरी समीक्षा करे वन रैंक वन पेंशन की। तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट भेजी, केंद्र सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट भेजी, साथ ही भूतपूर्व संगठनों ने भी अपनी मांग रखी। तो फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और अब आप लोगों को वन रैंक वन पेंशन के आधार पर हर 5 साल में आपका रिवाइज होगा और साथ ही जो ये अभी जो पेंडिंग आपका जो बकाया जो भी रकम होगी सरकार को आदेश दे दिए हैं कि 3 महीने के अंदर में जारी कर दिए जाएं। तो इस वन रैंक वन पेंशन का जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखना, लेकिन आप लोगों को समय एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस ड्यूरेशन में अगर ये चीज़ भी मिल जा रही है तो भी इसमें मतलब हमें संतुष्ट होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए XArmy सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे